मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से और गहराई से सुनिएगा। अगर आप एक जोमैटो डिलीवरी बॉय हो या फिर मान लो आप एक डिलीवरी बॉय हो, आप चाहे किसी भी कंपनी में काम करो, तो दोस्त जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। लेकिन अगर आप एक डिलीवरी बॉय नहीं हो तो कुछ देर के लिए अपने आप को एक डिलीवरी बॉय मान करके मेरी बातों को सुनो समझो, ठीक है। देखिए दोस्त, एक जो डिलीवरी बॉय होता है, जैसे जोमैटो की ही बात करें, जो जोमैटो डिलीवरी बॉय होता है वो फील्ड पर जाता है, फील्ड पर जाकर के जॉब करता है। उसका काम होता है ऑर्डर को डिलीवर करना, ऑर्डर रेस्टोरेंट से उठा करके कस्टमर तक पहुंचाना। अब डिलीवरी बॉय यानी कि जोमैटो डिलीवरी बॉय एक दिन में जितने ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाएगा उसको पर ऑर्डर के हिसाब से कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है। लास्ट में वही चीज़ें काउंट हो करके उसकी सैलरी में जो है कि ऐड होती हैं और उसको पैसा मिलता है, उसके घर में जाता है, खाना बनता है उसके घर में, तो सबका पेट भरता है। अब दोस्त आप मुझे बताओ कि आप अगर एक डिलीवरी बॉय हो तो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आप एक दिन में कितना ऑर्डर डिलीवर करो। प्रेशर आपको कोई कंपनी नहीं करती, मैं यहाँ पर जोमैटो कंपनी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि जोमैटो कंपनी अपने डिलीवरी बॉय के ऊपर प्रेशर डालती है कि आप एक दिन में 20 ऑर्डर डिलीवर करो, 25 ऑर्डर डिलीवर करो। नहीं, जोमैटो कंपनी प्रेशर, अब कैसे मैं बोलूँ, प्रेशर बनाती भी है या फिर नहीं भी बनाती, आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। आप खुद ही अपने आप में ही प्रेशराइज्ड हो जाते हो। जैसे मान लो कि आपको पता है कि मैं जितने ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी सैलरी बनेगी, तो दोस्त आपके ऊपर खुद ही एक दबाव होता है यार कि मैं एक ऑर्डर कितनी जल्दी कंप्लीट करूँ ताकि दूसरा ऑर्डर डिलीवर करूँ, दूसरा कितनी जल्दी कंप्लीट करूँ ताकि मैं तीसरा ऑर्डर डिलीवर करूँ। ऐसा आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, कंपनी आपको नहीं बनाती है। अब आते हैं एक ऑर्डर पर। मान लो कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है, ठीक है। अब रिसीव होने के बाद में आप क्या करते हो, बाइक से फटाक से एकदम जाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट से उठाते हो और फटाक से कस्टमर को डिलीवर कर देते हो। दोस्त इस बीच का जो टाइम होता है इसमें आप कितने ज़्यादा प्रेशर में होते हो। प्रेशर इट मीन्स कि हाँ जल्दी से मुझे रेस्टोरेंट पहुंचना है, फटाक से बाइक चला करके कस्टमर को देना है। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस बीच आपको ये ख्याल नहीं होता है कि आप अपनी बाइक को धीरे चला रहे हो या फिर तेज चला रहे हो। उस टाइम पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होता है और वो टारगेट होता है बाइक चाहे तेज चले या फिर धीमे चले, जितना जल्दी हो सके इस ऑर्डर को कंप्लीट करूं ताकि मुझे दूसरा ऑर्डर आए। अब दोस्त इस बीच कई सारे डिलीवरी बॉयज जो नौसिखिए टाइप के होते हैं, जिनको बाइक चलाने का अच्छे से ढंग नहीं होता है, वो लोग कुछ प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं क्योंकि तेज बाइक चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें भी जो है कि उनको फेस करनी पड़ती है। तो भैया जोमैटो कंपनी ने ये सारी चीज़ें सुन करके, तो दीपेंद्र गोयल जी को आप जानते हो, हमारे जोमैटो के जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल भैया जी ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने क्या किया कि अब वो सभी डिलीवरी बॉयज को, अब पता नहीं इसके पीछे उनका क्या माइंडसेट है क्या नहीं है वो तो वही जाने, अब वो सभी डिलीवरी बॉयज को मतलब एक नया बैग देंगे। आपके पास में जोमैटो का बैग होगा, ठीक है, सभी डिलीवरी बॉयज को एक नया बैग दिया जाएगा। कुल मिलाकर के जोमैटो कंपनी ने उनके जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, जो भी लोग, जो कंपनी उनका ठेका लेती बैग वगैरह बैग टी शर्ट बनाने का, उन सभी लोगों को फिर से ठेका दिया जाएगा एक नए सिरे से नए बैग को तैयार करने के लिए। अब उस बैग की खासियत क्या होगी, नॉर्मल बैग आपका जोमैटो का नॉर्मल ही होता है, जैसा कि आप इधर बगल में स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। नॉर्मल बैग पर गए जोमैटो का लोगो होता है, ठीक है, और ऐसे ही नॉर्मल पूरा लाल रेड कलर का होता है, ठीक है बैग। लेकिन दोस्त अब इसी के साथ में इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा, एक हेल्पलाइन नंबर नीचे डाला जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर का काम क्या होगा, देखिए जोमैटो के जो सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, उन्होंने बोला कि कोई डिलीवरी बॉय अगर आपको रास्ते में तेज बाइक चलाता हुआ दिखता है, कोई भी डिलीवरी बॉय है जोमैटो का डिलीवरी बॉय, आपको लगता है कि ये डिलीवरी बॉय गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा है या फिर गलत तरीके से बाइक ड्राइव कर रहा है या फिर जैसा भी आपको अगर लगता है, तो बैग पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉल करना है। कॉल करके उस डिलीवरी बॉय की शिकायत दर्ज करनी है, उस डिलीवरी बॉय की आपको शिकायत दर्ज करवानी है उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के बाद में। तो दोस्त बेसिकली जोमैटो कंपनी ये चाह रही है कि हम जो है कि यातायात नियमों को मतलब ट्रैफिक रूल्स को अपने डिलीवरी बॉय से फॉलो करवाएं, वो तेज ड्राइविंग ना करें या फिर ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ कंपनी के मन में है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ठीक भी लगती हैं और एक हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा डिलीवरी बॉयज़ के मन में डर भी बैठेगा कि भाई हम तेज बाइक ना चलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डिलीवरी बॉयज़ बहुत ज़्यादा रोड पे प्रॉब्लम कर देते हैं, उनके मन में एक डर भी आएगा कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है वरना हमारी शिकायत हो जाएगी। फिर वही चीज़ है यार, अब देखो अगर
सोचा जाए तो शिकायत करने के बाद में या तो कंपनी डिलीवरी बॉय के ऊपर पेनल्टी लगाएगी और या तो फिर हो सकता है उसको जॉब से निकाल दे या फिर कुछ भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि जोमेटो कंपनी का तो हमेशा से ही रहा है कि डिलीवरी बॉयज के लिए छोटी से छोटी गलती में उनको जॉब से निकाल करके बाहर कर देती है ये सारा सीन। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं कोई किसी कंपनी को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। दोस्त आप इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बता देना। हम अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक ले जय हिंद।